नमस्कार दोस्तों, आज का ये आर्टिकल आपका वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी संग्रह में जो गिरावट देखी जा रही है उसी के परिपेक्ष में लिखा गया है। तो देखेंगे इस वस्तु एवं सेवा कर यानी कि जीएसटी के बारे में भी जानेंगे और वस्तु सेवा कर का स्वरूप क्या है आखिर उस पर भी बात करेंगे हम लोग। क्षतिपूर्ति उपकर क्या होता है उस पर भी बात करेंगे। जीएसटी राजस्व में गिरावट के आखिर कारण क्या है, किस कारण से गिरावट देखी गई है उस पर भी बात करेंगे। जीएसटी परिषद ये भी आप लोग सुनते रहेंगे इसके बारे में भी जानेंगे। संबंधित चुनौतियां क्या है इस क्षेत्र में उस पर भी बात करेंगे और संभावित समाधान क्या हो सकते हैं उसे भी देखेंगे हम लोग। यानी कि लगभग लगभग सभी पक्षों पर हम लोग नजर डालने की कोशिश करेंगे। वस्तु सेवा कर अधिनियम यानी कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट में इस बात की गारंटी दी गई कि जीएसटी का कार्यान्वयन 2017 से 2022 के पहले 5 वर्षों में राजस्व में किसी भी नुकसान की भरपाई को उपकर के माध्यम से पूरा किया जाएगा। शेष उपकर को क्या कहते हैं, शेष। कुछ समय पूर्व केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 19-20 के लिए वस्तु एवं सेवा पर मुआवजा जारी करने की घोषणा भी की थी। वस्तु एवं सेवा कर मुआवजे की राशि 1,65,302 करोड़ रुपये निश्चित की गई, जबकि मुआवजा उपकर राशि का संग्रह 95,444 करोड़ रुपये था। इससे सार्वजनिक स्वास्थ्य देखभाल क्षमता को बेहतर करने तथा वैश्विक महामारी जो कोविड-19 है इस महामारी हेतु राहत कार्यों को त्वरित करने में जुटे राज्यों को सहायता मिलेगी। यदि राजस्व संग्रह एक निश्चित सीमा से नीचे चला जाता है तो राज्य सरकारों को क्षतिपूर्ति के भुगतान के लिए फार्मूले पर फिर से निर्धारित करने का जीएसटी अधिनियम में प्रावधान भी किया गया है। जीएसटी अधिनियम के तहत यदि राज्यों का वास्तविक राजस्व अनुमानित राजस्व से कम संग्रहित होता है तो इस अंतर की भरपाई भी की जाएगी। अब आप जानते हैं कि वस्तु सेवा कर के बारे में अगर बात करें तो ऐतिहासिक वस्तु एवं सेवा कर आपका 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ था। इस डेट को अच्छे से याद रखिए, 1 जुलाई 2017। गौरतलब है कि जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है जिसे भारत को एकीकृत साझा बाजार बनाने के उद्देश्य से लागू किया गया। यह निर्माता से लेकर उपभोक्ताओं तक वस्तुओं एवं सेवाओं की आपूर्ति पर लगने वाला एकल कर है। एक बात याद रखिए, इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब यह है कि अभी जो अप्रत्यक्ष कर लिए जाते थे उन्हें अब जीएसटी में समाहित कर दिया गया है। ठीक है, जीएसटी के अंतर्गत जहां एक और केंद्रीय स्तर पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क, अतिरिक्त उत्पाद शुल्क, सेवा कर, काउंटिंग वेलिंग ड्यूटी जैसे अप्रत्यक्ष कर शामिल होंगे, वहीं दूसरी ओर राज्यों में लगाए जाने वाले मूलवर्धन कर, मनोरंजन कर, चुंगी तथा प्रवेश कर, विलासिता कर आदि भी सम्मिलित हो जाएंगे। अब एक ही जगह इस तरह के पूरे कर समाहित हो जाएंगे आपके। वस्तु एवं सेवा कर का स्वरूप की बात करें तो एक राज्य के भीतर होने वाले लेन देन पर केंद्र सरकार द्वारा लगाए कर को केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर भी कहा जाता है, सीजीएसटी। सीजीएसटी केंद्र सरकार के खाते में जमा किया जाता है। राज्यों द्वारा लगाए गए करों को राज्य वस्तु एवं सेवा कर जिसे एसजीएसटी कहा जाता है। एसजीएसटी का कर को राज्य सरकार के खाते में जमा किया जाता है। इसी प्रकार केंद्र द्वारा प्रत्येक अंतर राज्य वस्तुओं एवं सेवाओं की आपूर्ति पर एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर लगाने और प्रशासित करने की व्यवस्था भी है इसमें। क्षतिपूर्ति उपकर की अगर बात करें तो जीएसटी अधिनियम के अनुसार वर्ष 2022 तक यानी जीएसटी कार्यान्वयन शुरू होने के बाद पहले 5 वर्षों तक जीएसटी कर संग्रह में 14% से कम वृद्धि आधार वर्ष 2015-16 के संदर्भ में दर्शाने पर वाले राज्यों के लिए क्षतिपूर्ति की गारंटी भी दी गई है। केंद्र द्वारा राज्यों को प्रत्येक 2 महीने में क्षतिपूर्ति का भुगतान किया जाता है। क्षतिपूर्ति उपकर ऐसा उपकर है जिसे 1 जुलाई 2022 तक चुनिंदा वस्तुओं और सेवाओं या फिर राज्यों की आपूर्ति पर संग्रहित किया जाएगा। जीएसटी से अलग होगा ये, समझ में आया, जीएसटी से अलग होगा। सभी करदाता विशिष्ट अधिसूचित वस्तुओं को निर्यात करने वालों को और जीएसटी कंपोजिशन स्कीम का विकल्प चुनने वालों को छोड़कर जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर के संग्रहण और केंद्र सरकार को इसके वेतन के लिए उत्तरदायी है। इसके बाद केंद्र सरकार इसे राज्यों को भी वितरित करती है।
जीएसटी में अगर हम लोग राजस्व में गिरावट के कारणों की बात करें तो देश में COVID-19 के नियंत्रण हेतु लागू लॉकडाउन के कारण औद्योगिक गतिविधियों को पूरी तरह बंद करना पड़ा। और आप जानते हैं कि आपके देश में पूरी तरह से आपकी जो भी औद्योगिक गतिविधि थी, उत्पादन थे, सब बंद पड़े हुए हैं, तो कहां से आएगा, समझ रहे आप। सार्वजनिक आवाजाही और पर्यटन की गतिविधियों पर भी रोक से होटल परिवहन आदि क्षेत्रों से आने वाला राजस्व प्रभावित हुआ है। इनमें भी आप देखते हैं कि पर्यटन एक बहुत बड़ा हिस्सा देता है हमारे योगदान हमारी अर्थव्यवस्था में, तो वो भी पूरी तरह से ठप पड़ा हुआ है। हालांकि लॉकडाउन के दौरान भी लगभग 40% अति आवश्यक श्रेणी की व्यवसायिक गतिविधियों को चालू रखने की अनुमति दी गई थी, परंतु मजदूरों के पलायन, आपूर्ति श्रृंखला और परिवहन के प्रभावित होने के कारणों से अपेक्षित राजस्व की प्राप्ति नहीं की जा सकी। लॉकडाउन के कारण उन राज्यों पर और अधिक प्रभाव पड़ा जिनकी अर्थव्यवस्था में स्थानीय राजस्व की भूमिका अधिक थी। उदाहरण के लिए आप लोग गुजरात ले सकते हैं, तेलंगाना, हरियाणा, कर्नाटक, तमिलनाडु राज्य जिनका 70% से अधिक राजस्व स्थानीय स्रोतों से प्राप्त होता है, उन्हें लॉकडाउन से सबसे अधिक आर्थिक क्षति हुई है। विशेषज्ञों का अगर माने तो उनके अनुसार जीएसटी संग्रहण पर अर्थव्यवस्था की वर्तमान स्थिति का काफी असर देखने को मिला है। आत्मविश्वास की कमी और भय के कारण निवेशक निवेश करने से कतरा रहे हैं और वैश्विक महामारी के कारण अर्थव्यवस्था की मांग में वृद्धि नहीं हो रही है, जिसका स्पष्ट प्रभाव जीएसटी से राजस्व पर पड़ रहा है। अभी आपके ही देश की बात मत करिए, पूरी दुनिया इससे पूरी तरह से प्रभावित हुई। आप अमेरिका को भी देख सकते हैं, वहां की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से, एक तरह से आप सोचिए, बहुत बुरी तरह से प्रभावित हुई है कोरोना महामारी से, समझ रहे हैं। एक समय हमारी विकास दर कितनी हुआ करती थी, 7.4-7.5 की बात हुआ करती थी। आज आप देख रहे हैं कि जितनी भी रेटिंग एजेंसी कह रही हैं, 1-1.5% कोई 2.5% तक बता रहा है। जीएसटी परिषद की भूमिका की अगर बात करें तो जीएसटी परिषद का कार्य निम्नलिखित विषयों पर केंद्र और राज्यों की सिफारिश करना है। केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय निकायों द्वारा वसूले जाने वाले कर, उपकर, अधिशुल्क जिन्हें जीएसटी के अंतर्गत समाहित किया जा सके, ऐसी वस्तुएं और सेवाएं जिन्हें जीएसटी के अधीन या उससे छूट प्रदान की जा सके, आदर्श जीएसटी कानून, उद्ग्रहण के सिद्धांत, आईजीएसटी का बंटवारा और आपूर्ति के स्थान को विकसित करने वाले सिद्धांत, वह सीमा रेखा जिसके नीचे वस्तुओं और सेवा के टर्नओवर को जीएसटी से छूट प्रदान की जा सके, वह दिनांक जब से कच्चे तेल, हाई स्पीड डीजल, मोटर स्प्रेड पेट्रोल, प्राकृतिक गैस और एविएशन टरबाइन फ्यूल पर जीएसटी वसूला जा सके, किसी भी प्राकृतिक आपदा या विपदा के दौरान अतिरिक्त संसाधन इकट्ठा करने हेतु किसी विशेष अवधि के लिए कोई विशेष दर या दरें। उत्तर पूर्वी एवं पर्वतीय राज्यों जिनमें आपका अरुणाचल प्रदेश हो गया, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के संबंध में विशेष प्रावधान भी किया गया है। जीएसटी परिषद द्वारा यथा निर्णय एवं जीएसटी से संबंधित कोई अन्य मामला जिस पर परिषद निर्णय ले सकती है। अगर इसमें हम लोग चुनौतियों की बात करें तो प्राथमिकता से विचलन, वित्त पर गठित संसदीय स्थायी समिति द्वारा लॉकडाउन के बाद अपनी पहली बैठक आयोजित की गई, जिसमें वर्तमान महामारी और इसके विरुद्ध भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति पर चर्चा करने के बजाय नवाचार, पारितंत्र और भारत की विकास कंपनियों का वित्तीयन जैसे विषय पर चर्चा की गई है। पर्याप्त वित्त की अनुपलब्धता, वर्ष 2020-21 का बजट अब प्रासंगिक नहीं है क्योंकि यह राजस्व संग्रह के बारे में कुछ अनुमानों पर आधारित था। इस वर्ष समग्र राजस्व कमी पर सरकार की ओर से कोई स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया गया। विभिन्न आर्थिक गतिविधियों को प्रेरित करने के लिए सरकार द्वारा किसी राहत पैकेज की प्रभावकारिता पर भी कोई स्पष्टता व्यक्त नहीं की गई। बढ़ता अंतराल, क्षतिपूर्ति उपकर तथा केंद्र द्वारा राज्यों को किए जाने वाले भुगतान के बीच अंतराल, संभावित आर्थिक संकुचन व वैश्विक महामारी के कारण बढ़ने की आशंका है। इसमें जीएसटी संग्रह भी प्रभावित हो सकता है। महामारी के दौरान लोगों द्वारा विलासिता की वस्तुओं पर कम खर्च करने की प्रवृत्ति से क्षतिपूर्ति उपकर अंतर्वाह में कमी आ सकती है। और याद रखिए, जब लॉकडाउन है पूरी तरह से तो कौन क्या खरीदेगा, समझ रहे हैं। भुगतान की समस्या, इस वर्ष राज्य को मुआवजा देना केंद्र के लिए और भी कठिन होने वाला है क्योंकि वित्त वर्ष 2019-20 में
राज्यों को दिया जाने वाला क्षतिपूर्ति भुगतान लगभग आपका 70,000 करोड़ रुपए कम है। जीएसटी लागू होने के पहले 2 वर्षों में उपकर राशि और भारत की संचित निधि से एकीकृत निधियों का प्रयोग करने करके इस समस्या का समाधान किया गया था। आईजीएसटी को वस्तुओं और सेवाओं की अंतर्राज्यीय आपूर्ति पर लगाया जाता है तथा वर्ष 2017-18 में एकत्रित किए गए इसमें कुछ हिस्से इसके कुछ हिस्से का अभी तक राज्यों को आवंटन नहीं किया गया है। बैठकों में विलंब, क्षतिपूर्ति के मुद्दे पर कार्य करने के लिए जीएसटी परिषद जीएसटी काउंसिल की बैठक जुलाई में प्रस्तावित थी लेकिन अभी तक बैठक आयोजित नहीं की गई है। संभावित उपाय क्या हो सकते हैं? समाधान, केंद्र सरकार के ऊपर राज्यों को राजस्व की भरपाई करने का संवैधानिक उत्तरदायित्व भी है। आपातकालीन परिस्थितियों में संविधान संशोधन करके 5 वर्ष की समयावधि को 3 वर्षों तक निर्धारित किया जा सकता है। केंद्र सरकार अपने राजस्व से राज्यों को मुआवजा क्षतिपूर्ति उपलब्ध करा सकती है परंतु वर्तमान परिस्थितियों में यह विकल्प व्यवहार नहीं प्रतीत होता है। केंद्र सरकार उपकर के आधार पर ऋण भी ले सकती है और राज्यों को मुआवजा क्षतिपूर्ति देने हेतु 5 वर्ष की समयावधि को बढ़ाकर 7 वर्ष करने पर विचार भी किया जा सकता है। एक बात और याद रखिए कि अभी क्योंकि आप देख रहे हैं कि कोरोना महामारी से लड़ने का काम कौन कर रही है, राज्य सरकारें कुछ ज्यादा ही ध्यान दे रही है केंद्र सरकार की तुलना में। तो आप समझ सकते हैं कि संसाधनों की जरूरत सबसे ज्यादा राज्यों को है, राज्यों को पैसे की जरूरत है, तो इसके लिए कुछ प्रावधान किए जा सकते हैं। आगे की राय क्या हो सकती है इसमें? राज्यों को क्षतिपूर्ति के वायदे को पूरा करने के लिए केंद्र द्वारा भविष्य में जीएसटी उपकर संग्रहण की गारंटी पर विशेष ऋण के सुझाव पर विचार किया जा सकता है। केंद्र एवं राज्य दोनों को महामारी के कारण पैदा हुई कई चुनौतियों से निपटने के लिए नगदी पर स्पष्टता और निश्चितता की आवश्यकता है ताकि महामारी की स्थिति को प्रभावी ढंग से संभाला जा सके। देश की आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देने की आवश्यकता है और सरकार को उन तरीकों के बारे में सोचने की जरूरत है जिनके माध्यम से जीएसटी संग्रह को बढ़ाया जा सकता है। तो ये कहानी थी आपकी जीएसटी कर की।